इसी गमीले वाले हम गाइस कभी पहले इतने काम नहीं किए हुए ससुराल में, हर कुछ सीखना पड़ता है, जो काम नहीं भी आते वो भी सीखना पड़ता है। मैं किस लिए सीखती हूँ गाइस, मतलब अच्छा भी लगता है खुद को भी, क्योंकि सास ससुर बेचारे सासू माँ वगैरह कब तक करेंगे, हम भी उनकी हेल्प करें तो अच्छा लगता है ना गाइस। मतलब हम सोए रहे और वो काम कर रहे तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो इसलिए मैं भी मतलब प्रयत्न करती हूँ कि नहीं मुझे ये काम सीखना है वो काम सीखना है, क्योंकि गाइस बहुत अलग अलग हो जाता है ना मेरा कल्चर जो है हिमाचल से सीधा महाराष्ट्र में, और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है सब कुछ। गैस में मोबाइल रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है अंशु ने तोड़ दिया हुआ है तो अच्छे से सेट नहीं होता है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे वाले जो पिल्लो है वो लगाए हुए है, तब जाके मैंने मोबाइल रखा हुआ है। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है गैस फ़ोन रखने के लिए। हाय दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अंदाजा चैनल है गाइस मेरा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं 10 बजे कर रही हूँ, क्योंकि 10 बजे और कभी कभी 11 बजे तक मैं सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ। खाना, बर्तन साफ करना और कपड़े धोना सब काम करके आ गई हूँ अभी। तो अभी रूम में आ गई तो अंशु को नला धुला के सुला दिया है अभी फिर से उसको, तो अभी मैंने उसको रूम में नहीं सुलाया है, उसको बाहर सुलाया हुआ है, ऐसे झूला टाइप का है तो उसमें सुलाया हुआ है, क्योंकि गाइस महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है आजकल, तो उसको जो है थोड़ा कूलर और फैन की हवा लगानी पड़ती, नहीं तो सोती नहीं है वो। तो गाइस कल तो रक्षाबंधन हो गया और हमारे फौजी साहब को छुट्टी भी नहीं मिली गाइस, तो अभी मेरी ननंद आए हुए थे, मतलब सकी ननंद नहीं चाची जी की लड़की, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने जो है मेरे फौजी साहब को राखी दी है, ये देख सकते हैं गाइस ये वाली राखियाँ दी है, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, गोल्डन कलर के रिंग है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा है। दो तीन राखियाँ हैं गाइस, तो तीन राखियाँ मतलब मेरे फौजी साहब को ही नहीं मेरे जेठ जी को भी छुट्टी नहीं मिली गाइस, वो पुणे में रहते हैं ना इसलिए वो आए नहीं हैं, तो एक राखी उनकी और एक राखी उनके बेटे की और एक मेरे फौजी साहब की, तो तीन राखियाँ बची हुई है। तो क्या मालूम वो आएंगे नहीं आएंगे, वो मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन मेरे फौजी साहब नहीं आएंगे अभी क्योंकि उनको छुट्टी नहीं है गाइस अभी अभी वो 1 महीना पहले ही आकर गए हैं, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आते हैं, कभी कभी 7-7 महीना नहीं आते हैं घर में, कभी 8 महीना गाइस। तो गाइस अभी मैं जो हूँ खाना खा के भी आ गई है, बहुत जल्दी हो गया हमारा खाना, क्योंकि सब काम जल्दी जल्दी हो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं गाइस। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर वाली गैलरी में मेरी बेटी अंशु सोई हुई है गाइस, तो ऐसा लग रहा है उठ रही है वो, तो वो गर्मी की वजह से नींद नहीं होती है गाइस उसकी पूरी, तो उठ जाती है बहुत जल्दी और रात को भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और गाइस ये मैं रख देती हूँ अभी। तो गाइस अभी जो है सब काम हो गया है, सिर्फ मेरे रूम का बचा हुआ है काम, तो इसे ध्यान में आया देखते देखते गाइस एक गमेले में जो है इतने सारे कपड़े भर के रखे हुए हैं, और सोफ़ा कवर जो है अंशु ने ख़राब कर दिया है, क्योंकि मैंने सुबह इसको अच्छे से स्टिच किया हुआ था और कर दिया है। गाइस आज मैंने जो है वो हेयर वॉश किया हुआ था, तो इसमें ऑयल वगैरह सब लगा दिया है और ऐसे चोटी बनाई हुई है। गाइस मुझे रबड़ नहीं मिल रहा था, मैंने पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं पूरे रबड़, तो अंशु का हेयर बैंड रहता है ना गाइस सर का, मैंने वही लगा दिया है देख सकते हैं, तो ये रबड़ भी हो जाता है, दो दो काम कर देता है, जैसे चोटी भी हो गई मेरी। तो गाइस अभी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे कैसे घड़ी करूँ, अंशु के कपड़े और इस गमेले में पूरा भर के रखा हुआ है, एक दिन के कपड़े नहीं है गाइस, ये 2-3 दिन के कपड़े हैं। क्या करती हूँ मैं कभी कभी जो है मेरे कपड़े भी इसमें मिक्स कर लेती हूँ, सासू वो डांटते हैं मुझे कि हम बड़े हैं तो हमारे कपड़े अलग रखने हैं और छोटी बीबी के कपड़े अलग रखने हैं, लेकिन कभी कभी ना वो क्या होता है मिक्स हो जाते हैं, फोल्ड करके लेके आती हूँ और इसमें ही ऐसे फटक से डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसको आज जो है मैं अच्छी तरीके से सफाई कर लेती हूँ इसकी, ये
हांशु का टावल है गाइस। हमने बेंगलोर में रहते थे, फौजी साहब के साथ रहती थी मैं और अंशु, तब लिया वाला गाइस। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं अंशु को गाइस कितने टावल में, ऐसे ज़्यादा तो अंशु के टावल है गाइस, 4-5 टावल है गाइस उसके। ये ठंड के टाइम का है गाइस, लेकिन मैंने निकाल दिया है बाहर क्योंकि इसमें ऐसे रखी रखी ना स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको बाहर रख दिया था। तो ये हैंडशिप टाइल बहुत बड़ा है गाइज, बहुत अच्छा है, मऊ सॉफ्ट सॉफ्ट है। और ये मेरी साड़ी भी आ गई गाइज इसमें, तो ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, ये भी ऐसे से इसके ऊपर ब्लाउज है मेरे पास गाइज। इसके ऊपर हम 3-4 प्रकार के ब्लाउज पहन सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे कलर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे कलर का सिला हुआ है मैंने इसके ऊपर, तो वही पहनूंगी मैं इसके ऊपर जो है। तो इसको भी फोल्ड किया हुआ था मैंने सब ऐसे इधर उधर हो जाते हैं कपड़े गाइस, जब मैं सासू माँ क्या करते हैं, सासू माँ अंशु को नहला रहे थे सुबह, तो वो बोलते हैं अंशु के कपड़े लेके आ जाओ बाथरूम में, तो मैं लेके गई थी और ऐसे ऐसे निकाल निकाल के वो घड़ी नहीं होती ना, मतलब घड़ी फोल्ड नहीं होते हैं जल्दी जल्दी से गाइस, तो सबसे पहले मैं सबको निकाल ही देती हूँ। ऐसे ऐसे अंशु के कपड़े, मेरी बेड शीट आई, बहुत ज़्यादा डांटती है सासू माँ, तो मैं भी निकाल ही देती हूँ सबको। गाइस जी चड्डी कितनी अच्छी है ना, बहुत छोटी छोटी अंशु थी ना गाइस, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं गाइस मीशो में ये देख सकती है बहुत छोटी की है, अभी नहीं आती, स्ट्रेचेबल है ये, इतनी बड़ी हो सकती है लेकिन नहीं आती है अभी, ये देख सकते हैं ऐसी है ये। इसके ऊपर जो है वो येलो कलर का ऐसे बनियान टाइप, हाँ गाइस यही है, तो अभी जो है ख़राब हो गया, मैं इसको नहीं पहनाती हूँ गाइस, ये देख सकते हैं ऐसा था। और बहुत छोटी थी गाइस, शायद 3 मंथ की थी तब मैंने इसको लिया हुआ था ये, लेकिन कपड़ा कितना अच्छा, इतना मतलब कलर भी नहीं गया, इतना धो धो के रगड़ रगड़ के धोते हैं गाइस इसको, तो कलर नहीं गया इसका, इतना पूरा सेट था गाइस, ये 6 का सेट था। प्राइस कितना वो याद में नहीं रहा गाइस, फौजी साहब की शर्ट, हाय मेरी फौजी साहब, फौजी साहब की शर्ट भी इसमें ही आ गई। अभी हम कर लेते हैं इसको खाली, पता नहीं कितने सारे कपड़े है गाइस, देख सकती हैं इतने ज़्यादा कपड़े कपड़े, हे भगवान, आज तो गाइस इतना ज़्यादा भर गए देख सकते गाइस इसे फोल्ड करने गाइस, हे भगवान, इसे साइड में रख लेते हैं इसको। कैप भी आ गए अंशु के, अभी इसका कुछ काम नहीं है, मैंने उसको 2 कैप और भी लिए हुए हैं, जब हम घूमने के लिए गए थे तो उधर मुझे बहुत अच्छे कैप मिले थे, जयजूरी गए थे हम भगवान खंडोबा महादेव के दर्शन करने के लिए पूरी फैमिली के साथ, तब मैं उसको 2-3 कैप लेके आई हूँ ठंड के लिए, क्योंकि गए जब मतलब कभी मायके में जाना होगा तो वहाँ तो लगते ही हैं ठंड में, तो क्योंकि मायके हिमाचल प्रदेश में है तो बर्फ़ का मतलब पहाड़ों से ढका हुआ है, बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इधर तो इतना नहीं लगता है कैप गाइस। अभी जो है सब खाली कर दिया मैंने, ऐसे से काम गाइस ससुराल में, ऐसे से गमेले वाले हम गाइस, कभी पहले इतने काम नहीं किए हुए, ससुराल में हर कुछ सीखना पड़ता है, जो काम नहीं भी आते वो भी सीखना पड़ता है। मैं किस लिए सीखती हूँ गाइस, मतलब अच्छा भी लगता है खुद को भी, क्योंकि सास ससुर बेचारे सासू माँ वगैरह कब तक करेंगे, हम भी उनकी हेल्प करें तो अच्छा लगता है ना गाइस, मतलब हम सोए रहें और वो काम कर रहे तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है गाइस, तो इसलिए मैं भी मतलब प्रयत्न करती हूँ कि नहीं मुझे ये काम सीखना है वो काम सीखना है, क्योंकि गाइस बहुत अलग अलग हो जाता है ना मेरा कल्चर जो है हिमाचल से सीधा महाराष्ट्र में, और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है सब कुछ। और अभी हम कर लेते हैं काम गाइस, में मोबाइल रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है अंशु ने तोड़ दिया हुआ है, तो अच्छे से सेट नहीं होता है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे वाले जो पिल्लो है वो लगाए हुए है, तब जाके मैंने मोबाइल रखा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है गाइस फ़ोन रखने के लिए। फौजी साहब को बोला था मैंने, कहा ऑनलाइन मंगवा दो, तो उनको भी ध्यान में नहीं रहा जाती बार स्टैंड का, और
दूसरा मंगवाएंगे तो फिर से जो है अंशु फिर से खराब कर देगी। तो इसमें एक एक करके डाल रही हूँ अंशु के कपड़े, मतलब जो नहीं यूज में है वही कपड़े पहले डाल रही हूँ उसके। अंशु के बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं गाइस, मेरा मन ही नहीं भरता है जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना गाइस, तो मतलब ये भी लेना वो भी लेना, नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा कम कपड़े हैं, सब मुझे बहुत डांट देगी, इतना कपड़े नहीं लेते छोटे बेबी को, कम कपड़े लेते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है तो वो जो पहले वाले कपड़े वो नहीं आते गाइस उसको, तो ये वाले शर्ट भी उसको नहीं आता है अभी, इसके बटन वगैरह सब तोड़ दिए उसने, तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख रही हूँ, फोल्ड करके रख दे तो मतलब ऐसे ठीक रहता है, और इसे इधर उधर फेंक देते हैं तो फिर सासू माँ के हाथ में आएंगे तो फिर डांट पड़ेगी। ठीक है, देख सकते हैं ये वाले सेट एक ही सेट थे गाइस, ये अभी नहीं पहनने के लिए आता है उसको, अभी ख़राब भी हो गया इसका कलर जो है, और मैंने ये सब धोए हुए की ही फोल्ड कर रही हूँ मैं, और ये वाला तो उसकी नानी माँ ने लिया हुआ था गाइस, प्लाजो सेट है ये वाला है, बहुत अच्छा लगता है ना गाइस गुड़िया के लिए, ये वाला नानी माँ ने लिया था उसका जब हम इधर आ रहे थे ना ससुराल में गाइस, तब एक नहीं तीन तीन अच्छे वाले ड्रेस लिए उसकी नानी माँ ने, तो मैंने उसको जो है कभी भी मतलब ऐसे फ्रॉक वगैरह तो हुए हैं उसके ऊपर, लेकिन प्लाजो सेट कभी नहीं लिया था, तो मम्मी बोले थे प्लाजो सेट अच्छा दिखेगा अंशु को तो प्लाजो सेट लेना चाहिए, इसलिए जो है प्लाजो सेट लिया मम्मा ने। तो गाइस जी देख सकते हैं हमारे कपड़े इतने फोल्ड करते करते मुझे शाम ना हो जाए, बाप रे। ये वाला जो है वो उसकी दादी माँ ने लिया हुआ था दिवाली का, पिछली दिवाली का है गाइस, अभी तो दिवाली आई नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है गाइस, फैन स्टार्ट किया हुआ है ऊपर का लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है मुझे, मेरा स्टॉल भी इसमें आ गए हैं, इसको हमें तो रख देते हैं। तो गाइस अभी जो है मैं इसको फोल्ड करने के बाद मिलती हूँ आपके। तो गाइज फाइनली ये काम तो ख़त्म हो ही गया, मैंने जो है वो फोल्ड करके भी रख दिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइज अंदर बैठ के, इतने ज़्यादा पसीने आते हैं गाइज, दो मिनट तक भी फैन ना स्टार्ट हुआ अगर लाइट चले जाए ना गाइज तो बाप रे बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। तो देखिए गाइज हमें मैंने फोल्ड करके रख दिया अच्छे से, और एक दिन के बाद फिर से फोल्ड करना पड़ेगा गाइज, और बस ये वाला काम बाकी है अभी ये वाला। तो गाइस ये काम हो गया मेरा, गाइस बाय बाय, आज का ब्लॉग यही था मेरा, तो न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी दूसरे दिन, तो बाय बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस, और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी अनुराधा।